हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लीजिए, मैं आ गई हूँ बेंटो केक सीरीज़ का दूसरा केक लेके। तो चलिए उसको बनाते हैं। तो ये भी एक चॉकलेट केक ही है। तो इसके स्पंज को मैंने 3.2 इंच के बर्तन में बेक कर लिया था। अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। अब इसकी हमें पहली लेयर निकाल देनी है, जो थोड़ा सा डोम शेप हो जाता है उसको हटा देना। अब इसको दो लेयर में कट कर लेंगे। अब इसके लिए इतना छोटा केक है कि कोई केक बोर्ड मेरे पास इतना छोटा है नहीं, तो बस इसको हम डायरेक्ट टर्न टेबल पर ही बना लेंगे और इसको मॉइस्ट करेंगे गनाश और पानी के मिक्सचर से। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। इस पर क्रीम की एक अच्छी सी लेयर रख देनी है और इसको क्रीम को अच्छी तरह फैला देना है इसके ऊपर। अब एक चम्मच इसके ऊपर हम गनाश, चॉकलेट गनाश डाल देंगे और इसको भी फैला देंगे इसके ऊपर। इसकी आउटर कवरिंग जो है हम चॉकलेट क्रीम से करेंगे, उसके बाद फिर हम वाइट क्रीम भी लगाएंगे इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, बेंटो होता क्या है? बेंटो एक कोरियन कॉन्सेप्ट है। बेंटो का मतलब लंच बॉक्स होता है। तो बेंटो केक का मतलब हुआ मिनिएचर केक, छोटा केक जो 3 से 4 इंच के डायमीटर में का होता है, जिसको आप आराम से लंच बॉक्स में लेकर के कहीं भी बाहर जा सकते हैं। तो बेंटो का मतलब यही होता है। अब ये चॉकलेट क्रीम से पूरे केक को हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी वाइट क्रीम भी लगाएंगे, क्योंकि चॉकलेट का इतना डार्क शेड मुझे नहीं चाहिए इस केक पर। तो इस पर हम थोड़ा वाइट क्रीम लगाएंगे और इसको मिक्स करके लाइट चॉकलेटी कलर बना देंगे ऊपर। अब इसको पूरे केक पर हम, ये थोड़ी सी क्रीम है वाइट, तो इसको पूरे केक पर मिक्स कर देंगे चॉकलेट के साथ, तो एक लाइट ब्राउन सा शेड आ जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो, मेरा आइडिया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये बेंटो केक वाला आइडिया आपको कैसा लगा और इसका डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। अब ऊपर से हम इसको स्मूथ कर लेंगे केक को अच्छी तरह से, जहाँ भी ऐसे गड़बड़ी लगे वहाँ पर आप इसको क्लीन कर लीजिए और अच्छी तरह से फिनिशिंग दे दीजिए इसकी। अब ये ऊपर से बिल्कुल स्मूथ हो गया है, तो अब इसके ऊपर हम चॉकलेट की ड्रिपिंग बना लेंगे। ये जो छोटा केक होता है तो इसमें जो है बड़ा डर लगता बनाने में, देखने में लगता है बिल्कुल छोटा है, इसमें कुछ ख़ास काम नहीं होगा, लेकिन इसमें मेहनत उससे ज़्यादा होती है। बस ऐसे इसी तरह से हम इस पर साइड में ड्रिप, चॉकलेट की ड्रिपिंग गिरा लेंगे और इसको यहाँ से किनारे से भी थोड़ा सा
कवर कर देंगे। अब ये पर्पल कलर की क्रीम है, इससे हम इस ओपन स्टार टिप नोज़ल जो छोटा वाला आता है उस वो नोज़ल लगाया है, और इसे इस तरह से घुमाते हुए हम स्वर्ल वाले फ्लावर बना लेंगे। कितना क्यूट लग रहा है ना ये केक। ये केक मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था, इतनी खुश हो गई वो लेकर के, और वो बैठ के इसको पूरा ख़त्म करके उसके बाद ही सोई। अब इसके हर फ्लावर के बीच में हम गोल्डन बॉल लगा देंगे, और कुछ बॉल जो है गोल्डन बॉल हम बीच में भी डाल देंगे। अब इस पर हम मल्टी कलर का स्प्रिंकल डाल देंगे, मतलब आपको जो भी डालना है जैसे डेकोरेट करना वैसे डेकोरेट कीजिए। ये स्प्रिंकल मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने स्प्रिंकल डाल दिया है। अब इस पर हम सिल्वर स्प्रे थोड़ा सा डस्ट कर देंगे ताकि एक अच्छी प्यारी सी शाइन आ जाए इस पर। अब हमारा केक जो है रेडी हो चुका है, इसको हम बॉक्स में शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से नीचे से पैलेट नाइफ लगा के इसको किनारे की तरफ खींच लेना है, और इसको नीचे बटर पेपर या जो भी जिस चीज़ पर आप रखना चाहते हैं रख लीजिए और बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। ये हमारा लंच बॉक्स केक रेडी हो चुका है। अब इसको आप इस तरह से बंद करके किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, कहीं लेके भी जा सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम कट करके दिखा देते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है। तो आप भी बनाइए, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कीजिए इसको। आपको मेरा आइडिया ये कैसा लगा बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।